स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल बेचू का सेटअप। जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल का जो श्रृंखला है साथ में लेके चल रहे हैं धीरे धीरे के कॉन्सेप्ट को समझते हुए और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी देखते हुए हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं जिसका नाम है हिमालय। आज हिमालय पे बात करेंगे। अमूमन हम दो तीन वीडियो इसका बनेगा, दो तीन वीडियो में हम इसको पूरा हिमालय को बारीक से बारीक चीजों को समझाते हुए पूरा हिमालय खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, फिर नदियों के बारे में आएंगे। तो धीरे धीरे भारतीय जो भूगोल है इसी तरह चलता रहेगा और जनरल अवेयरनेस का जो हमने स्टार्ट किया है टॉपिक चैनल प्लेलिस्ट उसको भी धीरे धीरे कोई ना कोई रेंडमली एक टॉपिक उसमें भी हम लोग ऐड करते जाएंगे। आइए आज बात करते हैं सबसे पहले हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में जब देखते हैं तो सबसे पहले हम एक जो इसमें बहुत अच्छा प्रश्न बनता है पूछा जाता है वो यह बनता है कि हमारे जो देश में जो भौगोलिक संरचना है तो भौगोलिक संरचना में किसने कितने क्षेत्रफल पर क्या क्या चीज स्थित है या ज्यादा क्षेत्रफल पर क्या स्थित है। जैसे कि मैं बात करता हूं पहला मैदानी क्षेत्रों की, मैदानी क्षेत्र ठीक। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं पठारी भाग की, पठारी भाग की पठारी क्षेत्र। तीसरा हो गया पहाड़ियां, चौथा हो गया पर्वत श्रृंखला ठीक है। अब इन चारों चीजों को समझने के पहले पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पर्वत और पठार या पहाड़ियों में क्या डिफरेंस है। जो बेसिक डिफरेंस छोटा सा है तो थोड़ा समझाता हूं उसको मैं आपको। देखिए होता क्या है कि जब एक कोन नुमा शेप रहे, जब एक कोन नुमा शेप रहे तो इसको हम पर्वत कहते हैं। पर्वत और पहाड़ियों में क्या अंतर है, हाइट का डिफरेंस है। जब ज्यादा हाइट पर रहेगा तो उसको हम पर्वत श्रृंखला कहेंगे, उससे जो छोटी हाइट रहेगी वो पहाड़ियों की श्रेणी में आता है। कुछ हाइट के बाद उसको काउंट किया गया, कुछ हाइट दिया गया है कि 4,000-3,000 फीट के ऊपर मीटर के ऊपर जब रहेगा तो पर्वत श्रृंखला में काउंट होगा, उसके नीचे रहेगा तो पहाड़ियां कहलाएगा। तो पहाड़ियां और पर्वत सेम ही है, इसके ऊपर कोण नुमा आकार होता है ठीक है। बस पहाड़ियां और पर्वत में हाइट का डिफरेंस होता है, इनको हाइट के आधार पे पहाड़ियां या पर्वत कहा जाता है। लेकिन जब हम पठारी भाग की बात करते हैं, जैसे प्रायद्वीप भारत का अपना पठारी पूरा भाग है, जब पठार का भाग बात करते हैं तो पठार भी इसी तरह कई कई पहाड़ियां इतना भी ऊंचे पठार होते हैं। लेकिन पहाड़ियों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस देखिए बता रहा हूं क्या होता है। मान लीजिए पर्वत या पठार ये पहाड़ियां किसी को ले लेते हैं हम, इसमें होता क्या है ऊंचाई तो कहीं कहीं पठार की भी ऊंचाई जो है पहाड़ियों से अधिक है। तिब्बत का पठार है बहुत ऊंचा है, लेकिन पठार में होता क्या है कि जो ऊपर का भाग कोण नुमा होना होगा ऐसे होता है, समतल होता है ठीक। यानी पर्वत पे जो उसका शिखर होता है चोटी वो ऐसे कोण नुमा होता है पर्वत पे पहाड़ियों पे, लेकिन पठारी भाग पे वो समतल होता है, कोण नुमा नहीं होता, इसलिए उसको हम पठार कहते हैं। तो पहाड़ियां और पर्वत और पठारी आप तीनों चीज समझ गए होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट था जो डिफरेंस था उसको समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं मैदानी क्षेत्र पे। तो जो ये चार भौगोलिक संरचनाओं में चार चीजें पाई जाती है देश में हमारे, जैसे पर्वत है पठार है पहाड़ियां हैं मैदानी क्षेत्र है, इससे प्रश्न बनता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है या सबसे कम क्षेत्रफल पर कौन सी चीजें पाई जाती है। तो वही आज बात करेंगे सबसे पहले मैदानी क्षेत्र की। हमने लिखा भी इसको है घटते क्रम में, सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र है, उसके बाद पठारी क्षेत्र है, फिर पहाड़ी, फिर पर्वत। मान लीजिए इसको अगर आपको अरेंज करने के ऑर्डर में कभी क्वेश्चन आता है अरेंज करने के लिए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे कौन सा है, ताकि क्षेत्रफल पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 43.2%, पठार की बात करेंगे 27.7%, पहाड़ियों की जब बात करेंगे तो 18.5%, जब पर्वत की बात करेंगे तो 10.6% ठीक है। इन आंकड़ों के आधार पर आप समझ जाएंगे कि कौन सा क्षेत्रफल सबसे ज्यादा ज्यादा क्षेत्रफल में विस्तृत है भारत में। हमारे भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र क्या विस्तृत है, मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा क्षेत्र में विस्तृत है, कितना है 43.2% सबसे ज्यादा। सबसे कम पे क्या स्थित है, पर्वत, जो पर्वत श्रृंखला है हमारे देश में वो 10.6% क्षेत्रफल पे ही विस्तृत है ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, थोड़ा इसको आप आंकड़े देख लीजिएगा। आइए फिर थोड़ा आगे चलते हैं, ऐसी में एक चीज और लिख लीजिएगा, जैसे हमारे देश में भौगोलिक संरचना के आधार पर हमने चार भागों में बांट रखा है। कौन कौन सा है, पहला ये वाला भाग हिमालय वाला भाग,
इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। हमारे देश में भाई पर्वतीय क्षेत्र पूरा यहां से लेके हिमालय, जो हम लोग पढ़ने वाले आज हैं, हिमालय के जो भाग पढ़ने वाले हैं पूरा हिमालय वाला यहां से है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर ऊपर है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बांटे हम लोग अपने देश के जो भौगोलिक संरचना है। दूसरा क्या बांटे इसको हमने, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद ये नीचे का मैदान, जस्ट हिमालय के नीचे मैदान स्थित है, उत्तर का मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान जहां पे हम लोग स्थित है, ठीक है। यहां उत्तर भारत का विशाल मैदान, दो भाग हो गए। तीसरा भाग हमने क्या बांट रखा है, प्रायद्वीपी पठार, प्राय प्रायद्वीपी पठार, ठीक। भौगोलिक संरचना है, भौगोलिक फिजिकल रीजन के आधार पर हमने चार भागों में बांट रखा है अपने देश को। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र हो गया, उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया, प्रायद्वीपी पठार हो गया, और जो चौथा है तटीय मैदान क्षेत्र। तटीय मतलब यहां वाले जो समुद्र किनारे वाले हैं, तटीय मैदान क्षेत्र, तटीय मैदानी क्षेत्र, तटीय मैदानी क्षेत्र एवं कुछ भाग द्वीपों के भी होंगे। द्वीपीय समूह, ठीक। तो अपने जो फिजिकल रीजन के आधार पे अपने देशों को हमने चार भागों में बांट रखा है, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान यहाँ पे, प्रायद्वीपीय पठार पूरा यहां से यहां तक, और तटीय मैदानी क्षेत्र एवं द्वीपीय समूह। तटीय मैदानी क्षेत्र यहां से यहां वाला, और जो द्वीप समूह अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हमने आपको प्रीवियस क्लास से पढ़ा चुका है, ठीक है। तो इतना भौगोलिक क्षेत्र आप ध्यान रखिएगा, इसको एक एक करके पढ़ेंगे, प्रतिशत पढ़ेंगे, फिर मैदान पढ़ लेंगे, ये आगे के टॉपिक में आएगा, लेकिन ये आप जान लीजिए कि मूल से चार भागों में बांटे हुए हैं, ठीक। और यहां आकर याद रखिएगा, आइए आगे चलते हैं। आगे जब देखते थे हिमालय के बारे में देखते, तो हमने बताया आपको कि हिमालय जो भूगर्भ शास्त्री थे, जो भूगर्भ बहुत वैज्ञानिक थे, उनके मत में, उनके जो सिद्धांतों में बड़ा विवाद था। कोई अलग सिद्धांत देता था, कोई अलग सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो दिए गए हिमालय के उत्पत्ति के, कि हिमालय का उत्थान कैसे हुआ। हिमालय के उत्थान का में जो प्रमुख सिद्धांत हम मानते हैं, या दो ही प्रमुख सिद्धांतों को, दो सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। एक पहला है, पहला सिद्धांत है आपका कोबर का, कोबर का सिद्धांत है। कोबर ने सिद्धांत, उसका क्या नाम है, उसका नाम है भूसंति सिद्धांत, भू संति सिद्धांत। कोबर का जो भूसंति सिद्धांत था, पहले इसको समझते हैं, कोबर का भूसंति सिद्धांत था क्या। कोबर का भूसंति सिद्धांत यह था कि उन्होंने बताया कि जहां आज हिमालय है, जो उत्तर में हिमालय स्थित है, जहां हिमालय वहां पहले टेथिस सागर बहता था, टेथिस समुद्र था, पहले वहां टेथिस सागर था, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, टेथिस सागर यानी ऐसे था, यहां पे पूरा सागर बहता था, यहां समुद्र था पूरा, ये पूरा भाग समुद्र था, ठीक है, समुद्र था। ऊपर के भाग को हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं, अंगारा लैंड, और नीचे जो ये भाग आता है पूरा, ये गोंडवाना लैंड कहलाता है, गोंडवाना लैंड, ठीक। अंगारा लैंड है, नीचे गोंडवाना लैंड है, बीच में टेथिस सागर यहां बहता था। तो कोबर सिद्धांत जो था, कोबर ने सिद्धांत दिया था, वो भूसंति सिद्धांत था, उसमें उन्होंने कहा था कि आज जहां हिमालय स्थित है, वहां पहले टेथिस सागर भाग करता था। कब भाग करता था, 18 करोड़ वर्ष पहले, ठीक। 18 कोबर ने कहा था कि जो कोबर ने जो सिद्धांत दिया था, जिसे हम कहते हैं भूसंधि सिद्धांत,
उन्होंने कहा था कि 18 करोड़ वर्ष पहले आज जहां पे हिमालय है वहां 18 करोड़ वर्ष पहले टेथिस सागर भाग करता था। ठीक है, नीचे का हिस्सा मैंने बताया गोंडवाना लैंड, ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड। जो टेथिस सागर भाग करता था तो होता क्या था कि ये भाई यहां से जो अपरदन होता था, जो नदियां निकलती थी अवसाद भाग कहां आती थी, इसमें सागर में गिरती थी। मैं लिख देता हूं टेथिस सागर, टेथिस सागर। ठीक, अब देखिए जो नदियां थी गोंडवाना लैंड से नदियां फिर आके अवसाद, भाई हमने पढ़ाया था कि निक्षेपण जो होता है, जो इरोजन होता है, तो अवसाद नदियां को जाएंगे तो अवसाद भाग ले जाएंगे, बालू अपने साथ ले जाएंगे, पत्थर ले जाएंगे, छोटे टुकड़े ले जाएंगे, तो अवसाद लेके अंगारा से इधर टेथिस सागर मतलब एक ढाल नुमा था, पूरा अवसाद आके इधर बहता था, उधर से भी जो अंगारा लैंड से उधर यहां आके बहे, यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा और अंगारा लैंड से पूरा आके टेथिस सागर में अवसाद आके जमा होने लगे, और अवसाद इतना जमा होने लगे कि टेथिस सागर की जो तनी थी, जो टेथिस सागर के समुद्र का जो तल था वो नीचे बैठने लगा। टेथिस सागर का जब नीचे बैठने लगा तल उसका, धीरे धीरे यहां पे वलन पड़ गया, वलन मतलब फोल्ड पड़ गया, यहां पे जब फोल्ड पड़ा तो धीरे धीरे यहां पे पर्वतों का निर्माण शुरू हो गया, और जब पर्वतों का निर्माण शुरू हो गया तो टेथिस सागर का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, तो कोबर का भूसंधि सिद्धांत यही कहता है कि 18 करोड़ वर्ष पहले जहां हिमालय है वहां पर टेथिस सागर बहता था, ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड, यहां का दोनों का पूरा अवसाद, दोनों का पूरा अवसाद आगे टेथिस सागर में जमा होने लगा। इसी अवसाद के जमा होने के कारण टेथिस सागर का जो तली था वो और धसने लगा, धसने की वजह से जब अवसाद और जमा होने लगे, धीरे धीरे इतना हुआ कि ये एक पर्वतीय भाग का शेप ले लिया। ठीक है, यही था कोबर का भूसंधि सिद्धांत। आइए दूसरा बात करते हैं हम लोग, जो दूसरा था, जो दूसरे भूगर्भ शास्त्री थे उनका नाम था एच एच हेस, जिनको हम लोग हैरी हेस भी कहते हैं, इनको हैरी हेस एच एच हेस बोलते हैं। इनका जो सिद्धांत था हैरी हेस का, उसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या हिंदी में इसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं दोनों में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या हिंदी में प्लेट विवर्त निकी, प्लेट विवर्त निकी सिद्धांत। जो हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत था, उन्होंने क्या कहा था, इसको यूज करता हूं, जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो हैरी हेस ने दिया था, इस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि नीचे तो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, ऊपर क्या बताया था उन्होंने, एशियन प्लेट है, यानी जो हमारा धरती के नीचे बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं, प्लेट पे धरती टिकी हुई है पूरी, तो उन्होंने बोला नीचे जो इंडियन प्लेट है ऊपर जो एशियन प्लेट था, दोनों प्लेटें आके आपस में टकराई, यानी जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो कहीं से दूर होंगी तब आके टकराएंगी आपस में, तो इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट जब आपस में आके टकराई तो उसमें वलन पड़ा, जब भाई दो चीजें आके टकराएंगे फोल्ड होंगी तो उभार होगा, तो उन्होंने यही कहा कि इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट जब आके टकराई तो उसमें उभार पड़ा और हिमालय का उत्थान हुआ, यही था इनका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कि टेथिस सागर में अवसाद होने का हुआ, इन्होंने बोला कि प्लेट दोनों प्लेटें आके टकराई जिससे वलन पड़ा और हिमालय का उत्थान हो गया, मतलब दोनों ने सेम चीज वही कहा कि वलन पड़ने से ही हिमालय का निर्माण हुआ, इसीलिए हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, नवीन यानी नया, नवीन मूड़दार यानी वलन, फोल्डेड माउंटेन, नवीन मूड़दार पर्वत श्रृंखला। ठीक है,
तो आई होप दोनों सिद्धांत समझ में आ गया आपका। कोबर का ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है, इसमें पहले कि भू संधि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, कोबर द्वारा दिया गया है। कोबर का सिद्धांत कौन सा है, भू संधि सिद्धांत है। हैरी हेस का कौन सा सिद्धांत है, एचएच हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सिद्धांत है। दोनों सिद्धांत आप समझ गए, अब थोड़ा आगे चलते हैं इसमें सिद्धांत के बाद। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग हिमालय का जो फंडामेंटल बेसिक चीजें उसको देखेंगे, फिर कल से हम लोग पूरा स्टार्ट करेंगे हिमालय के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। आइए एक चीज और देख लीजिए इसमें कि जैसे हिमालय का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल हिमालय जो स्टार्टिंग है टेरी सागर, हिमालय का उत्थान हुआ तो यहां से हो गया पूरा, हिमालय कहां से कहां फैला हुआ है, हिमालय जो है आपका यह पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान या हम लोग जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं, पूर्वी पाकिस्तान से लेके, पूर्वी पाकिस्तान से लेके यहां तक, मैंने बताया था आपको जब मैं हम पढ़ा रहे थे अंडमानी को बार कि म्यांमार तक फैला हुआ, म्यांमार से फिर दक्षिण तरफ घूमता है, बे या बंगाल डूब जाता है, फिर अंडमान निकोबार के रूप में फिर ऊपर आ जाता है, यानी अंडमान निकोबार भी मैंने बताया था आपको कि हिमालय का ही भाग है, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान से लेकर कहां तक, म्यांमार तक, ठीक, इसको याद रखिएगा। इसका विस्तार है कितने किलोमीटर का विस्तार है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि पूर्वी पाकिस्तान से लेकर हिमालय का विस्तार पूर्वी पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक है कितने किलोमीटर में है, किलोमीटर याद रखिएगा 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, ठीक है। हिमालय का विस्तार पूर्वी पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक है कितने किलोमीटर तक का है, 2500 किलोमीटर में, ठीक है। हिमालय का, अब हमने किलो लंबाई बता दी इसकी कितने किलोमीटर में स्थित है, एरिया भी तो कुछ होगा भाई, कितनी चौड़ाई है, कितना एरिया है, ठीक है। तो जो पूर्वी भाग में, हिमालय का पूर्वी भाग ये हुआ, अरे पश्चिमी भाग ये हुआ, ये पूर्वी भाग हो गया। जो हिमालय का जो पूर्वी भाग पश्चिमी भाग है, जो हिमालय का पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग की चौड़ाई, जो हिमालय का पश्चिमी भाग की चौड़ाई है कितना है, हिमालय के पश्चिमी भाग की चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर, हिमालय के पश्चिमी भाग की चौड़ाई 500 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्वी भाग की चौड़ाई, पूर्वी भाग की चौड़ाई, पूर्वी भाग की चौड़ाई यानी इधर का, ये पूर्व हुआ ये पश्चिम हुआ, तो पश्चिम भाग की चौड़ाई जो अप्रॉक्स चौड़ाई लगभग है वह 500 किलोमीटर चौड़ाई इसकी स्थित है, और जो पूर्वी चौड़ाई है पूर्वी में जाके यह पतला हो गया है, ठीक है। तो जो पूर्वी भाग इसकी चौड़ाई है वह आपका है अप्रॉक्स 320 किलोमीटर यानी 320 किलोमीटर, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जो पश्चिमी भाग में चौड़ाई हिमालय की है 500 किलोमीटर की है, जो पूर्वी भाग में चौड़ाई है वह 320 किलोमीटर की है, ठीक है। और जो पूरी लंबाई हिमालय की है पूर्वी पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक कितनी है, 2500 किलोमीटर, ठीक। अब चौड़ाई हो गई, लंबाई होगी, तो एरिया भी होगा हिमालय का कुछ। अब एरिया के बारे में बात करते हैं, कभी एरिया भी पूछता है, जब एरिया की बात करेंगे उसका, तो हिमालय का एरिया क्षेत्रफल कितना पूरा है, कितने क्षेत्रफल में हिमालय विस्तृत है, जब एरिया की बात करेंगे तो एरिया है 5,00,000 किलोमीटर स्क्वायर, 5,00,000 वर्ग किलोमीटर में स्थित है क्या एरिया क्षेत्रफल, हिमालय का क्षेत्रफल 5,00,000 वर्ग किलोमीटर में स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में स्थित है। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार, इसको कहीं लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। हिमालय में एक बार फिर बता दे रहा हूं, हिमालय का जो विस्तार है पूर्वी पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक है, लंबाई कितनी है 2500 किलोमीटर लंबाई है, पश्चिमी भाग की जो चौड़ाई है यानी इधर की जो चौड़ाई है वह लगभग 500 किलोमीटर है, पूर्वी भाग की जो चौड़ाई है वह लगभग 320 किलोमीटर है, और जो एरिया यानी पूरा क्षेत्रफल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है वह 5,00,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, 5,00,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हिमालय को। हिमालय को अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, कभी कभी यहां से भी प्रश्न बनता है कि किस देश में हिमालय को क्या बोला जाता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं पाकिस्तान से,
ये पहले लिख लेते हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में हिमालय को क्या कहा जाता है? ये बहुत बार प्रश्न बनता है इसको, इसको एक बार देख लीजिए। पाकिस्तान में हिमालय को सुलेमान पर्वत, ठीक, पाकिस्तान में हिमालय पर्वत को, जो जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं, उसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं? सुलेमान पर्वत कहते हैं। आइए दूसरा बात करते हैं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में हिमालय को क्या कहते हैं? अफगानिस्तान में हिमालय कहते हैं हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत, ठीक। पाकिस्तान में क्या कहते हैं हिमालय को? सुलेमान पर्वत। अफगानिस्तान में क्या कहते हैं इसको? हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। अब भाई भारत में तो हिमालय ही कहते हैं इसको, लेकिन भारत के कुछ राज्यों में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। आइए कुछ उसको भी देख लेते हैं, जैसे मणिपुर हो गया, पहले लिख लेता हूं सब राज्यों को, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हाँ लास्ट में कौन सा देश है मैंने बताया, जहां से यहां पूर्वी पाकिस्तान से लेके कहां तक फैला था? म्यांमार तक। तो यहां म्यांमार लिख देते हैं, म्यांमार। आइए देखते हैं क्या क्या कहा जाता है हिमालय को। पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत कहते हैं, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत कहते हैं, मणिपुर में इसको, मणिपुर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है इसको, मणिपुर, मणिपुर के पहाड़ी से जाना जाते हैं। नागालैंड में इसको नागा पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में इसको पट कोई बूम, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न इससे इससे नहीं बनेगा, प्रश्न यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, यहां से बनेगा। ये बहुत पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय क्या कहते हैं? पटकोई बूम कहते हैं। म्यांमार में क्या कहते हैं? ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अराकान योमा, अराकान योमा। एक और राज्य है, छोड़ गया, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम में क्या कहते हैं? मिजोरम में कहते हैं इसको मिजो पहाड़ी। अब देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से। पाकिस्तान में हिमालय को कहते हैं सुलेमान पर्वत, अफगानिस्तान में हिमालय को कहते हैं हिंदू कुश पर्वत, मणिपुर में कहते हैं इसको मणिपुर पहाड़ी, नागालैंड में कहते हैं इसको नागा पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश इसको कहते हैं पटगोई गुम, म्यांमार में इसको कहते हैं अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा, मिजोरम में इसको कहते हैं मिजो पहाड़ी, ठीक है। यह प्रश्न बनता है तो एक बार देख लेंगे तो भूलेगा नहीं। अमूमन म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश और ये दोनों चार इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जहां नाम अलग रहेगा वहां प्रश्न वहां से जरूर बनेगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, मैंने आपको एक और चीज बताया था कि जैसे हमारे भारत में कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि हमारे देश में कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। इसको ध्यान, मैंने आपको पढ़ाया था देशांतर और अक्षांशी रेखा, जब मैंने बताया था उसमें बताया था आपको, तो इस पर प्रश्न आपके लिए है, इसको बताइएगा हमें कि हमारे देश में कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा आपको, लेकिन आशा करता हूं कि आप उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। उसके पहले जानते हैं जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं? मैंने बताया था कि हमारे देश से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? वर्टिकली देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं हो गई, इधर वाली कौन सी रेखा थी? अक्षांशी रेखाएं, ठीक है। तो मैंने बोला था कि देशांतर रेखाएं
हमारे देश में कितने भाग गुजरती है, उत्तर दीजिएगा। लेकिन अभी जानिए कि हिमालय जो हमारा क्षेत्र, हिमालय जो स्थिति है, जो हिमालय का स्थिति है, वहां से कुल कितनी दशांतर रेखाएं गुजरती हैं। हिमालय में कुल हमारे यहाँ 21 दशांतर रेखाएं गुजरती हैं, 21 दशांतर रेखाएं, ठीक। इसको ध्यान दीजिएगा कि हमारे हिमालय से कुल 21 दशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो ये मोटा मोटा हमने पढ़ लिया आज कि कोबर का भूसंधि सिद्धांत हमने देखा और हैरी हैस का प्लेटोनिक थ्योरी देखा हमने। कुल 21 दशांतर रेखाएं गुजरती हैं, कहां किस हिमालय को कहां पे क्या कहते हैं, उसका विस्तार कहां से स्थित है, पूर्वी पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक। तो एक हमने एक मोटा मोटा नॉलेज एक थोड़ा सा देख लिया, ओवरव्यू हमने कर लिया हिमालय को। आप यहां से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे हिमालय के कितने भागों में कैटेगराइज किया गया, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, दीर्घ हिमालय हो गया, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी हो गया, इसके बारे में पढ़ते चलेंगे, थोड़ा ग्लेशियर को भी देखते हुए चलेंगे। तो 2-3 वीडियो में अमूमन ये आपका हिमालय समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसको रिवीजन करते रहिए और समझते रहिए। और कम से कम जो आज का वीडियो है उसको थोड़ा एक बार ध्यान से पढ़िएगा, तभी नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि नहीं अगर समझेंगे इसको तो फिर नेक्स्ट वीडियो समझ में नहीं आएगा। आज की वीडियो को समझिए, फिर उसके बारे में दोबारा कल या परसों दोबारा वीडियो उस पर बनाएंगे, आगे जो बढ़ेंगे हम लोग तो उससे बात करेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए बीचू काशी अड्डा से। तब तक के लिए धन्यवाद।